राजद ने इंडिया गठबंधन उम्मीदवार को कोडरमा से जिताने का लिया संकल्प। कोडरमा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एवं भाकपा माले साझा प्रत्याशी विनोद सिंह को समर्थन करने को लेकर सोमवार को जिला राजद कमेटी सदस्यों की बैठक अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष सफदर अली की आवाज पर किया गया, जिसका अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष नाथेवर ठाकुर ने किया। बैठक में बतौर मुख्यातिथि के रूप राजद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव के नीति सिद्धांत पर चलकर आप अपने लोकसभा कोडरमा में महागठबंधन उम्मीदवार विनोद सिंह का समर्थन करें, जिसमें चार विधानसभा क्षेत्र यहां है, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों का बूथ लिस्ट दे, ताकि भाकपा माले से बातचीत जब हम करेंगे कि कैसे वो सहयोग करेंगे, तो हमारे पदाधिकारियों का, हमारे बूथ पर जो पदाधिकारी होंगे उनका टेलीफोन नंबर के साथ हम उनको सहयोग कर सकें। सिर्फ पूरी मजबूती के साथ हम लोग सहयोग करें। सर, इसके लिए हम योग्य पात्र नहीं हैं कि हम आपको इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर तो लालू जी दे सकते हैं। यानी आप लोग गिरिडीह जिला में विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं लोकसभा के साथ साथ? अरे, ये तो लोकसभा के गर्भ में विधानसभा छिपा हुआ रहता है। हम जितना मजबूत होंगे उतना दावेदारी मेरी मजबूत होगी। सिर्फ गाल बजाने से, झूठ बोलने से, कृत्रिम रूप से जातीय समीकरण बताने से तो चुनाव जीतेंगे नहीं। मैं तो बगोदर में 2 बार चुनाव जीता, लेकिन जब वहाँ से हट थोड़ा कमज़ोर हो गया मैं फील्ड में काम करने में, तो मैं हार गया। तो फील्ड तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मोदी जी ख़त्म करना चाहते हैं, इसके विरुद्ध लड़ाई है, तो फील्ड में तो हमको लड़ना होगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार करेंगे इस बार। वो 400 का मैंने अर्थ लगाया है कि वो 4 डेड बॉडी हिंदुस्तान की संस्थाओं का निकालना चाहते हैं। 400, 100 मतलब जुडिशियरी का, दूसरा 100 निकालना चाहते हैं ये विधायिका का, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का, तीसरा 100 वो निकालना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव का, ईडी को एलसीसीएन डॉग की तरह सिर्फ विपक्ष पर लगा दिए, तंग कर रहे हैं। 100 में 95 केस विपक्षी लोगों पर, और प्रेस को भी ख़त्म कर रहे हैं। 30-30 चैनल ऐसा है जो मोदी जी के लिए लगा हुआ है, और जो बोलता गायत्री मंत्र से हम जो बॉर्डर चीन कब्जा किया है उसको खाली करा लेंगे, ऐसी ऐसी बात हो रही है। रामचंद्र जी, जब तुलसीदास ने लिखा रामायण, तो रहीम ने उनको लिखा कि तुलसीदास मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम तुरकही प्रकट कुरान। माने हिंदू और मुसलमान ने मिल करके इसकी तारीफ की। अमामा इकबाल ने लिखा कि है हिंद को वजूद पर, हिंद को नाच अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये तो लिखने वाला मुसलमान था, रामायण की प्रशंसा करने वाले रहीम थे। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बीजेपी के नासमझ लोग, बंदर लोग इसको नष्ट करना चाहते हैं, उसी के खिलाफ युद्ध है। मूल है कि राष्ट्रीय जनता दल को एक एक बूथ स्तर तक कमेटी मजबूत करने का काम किया था, ये वही शख्सियत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम हमारे जितने राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के यहाँ लोग बैठे हैं, सभी को अभिनंदन मैं करता हूँ। बैठक में जितने लोग आए हैं, हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोगों को बहुत नजदीक लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के आला कमान जिसको भी तय कर देंगे कोडरमा लोकसभा में, हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे, और मन धन से पूरे उनके साथ खड़ा रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी राष्ट्र, अभी हमारे चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे इंडिया अलायंस हो, अभी औपचारिकता घोषणा कोडरमा लोकसभा में किसी कैंडिडेट का नाम नहीं घोषणा की है, और उसके घोषणा करने के बाद ही हम लोग जो है मन धन से उनके साथ खड़ा रहेंगे, जो बोल रहे बोलेंगे। दूसरी चीज है कि हम लोग को पार्टी कैसे मजबूत हो, हम जनता के बीच जाके क्या बताएं।
ये हम लोगों को आज संकल्प लीजिए, यहाँ पर बैठे हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों लोग, और ये जनता के बीच में जाके बताइए कि बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने सिर्फ 17 महीना में 4 लाख नौकरी बांटने का काम किया। ये बहुत गर्व की बात है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं। तो इसलिए आप लोग जनता के बीच जाइए, जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर हम 5 साल सरकार में अगर रहते हैं तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और उस 17 महीना में 4 लाख नौकरी दे दिए। आपने देखा कि कुछ दिन पहले घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है कि अगर केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ में मोदी जैसा झूठ की भाषण नहीं दे रहा हूं, ये मेरे तेजस्वी यादव का बयान था। उसने कहा था कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। किसी को नौकरी मिला क्या, बताइए? वो बोले हर गरीबों की खाता में 15-15 लाख देंगे। किसी को मिला क्या? किसी को नहीं मिला। वो सिर्फ लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी भाषण देने का काम किया, मगर आज भी धरातल पर नमाने का काम नहीं कर पाए। वो असफल रह गए। जो आप लोग सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर लिया, आने वाला वक्त में पूरे जो कमी हुआ है वो चीज नहीं है। इसलिए हम तमाम जो जिला के नेतागण लोग हैं उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग कुर्सी की अगर बात करते हैं तो कुर्सी के लिए मेहनत की जरूरत है। आपके पीछे अगर कार्यकर्तागण रहे नहीं है तो आप कितनों कुर्सी के लिए अगर जान हाथेंगे, आपको कुर्सी मिलने को नहीं है, नहीं मिलेगा। बार बार ये विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, यही 10 आदमी लेकर में रेस्ट हाउस में बैठक हुई थी। हकीकत में जो भी पर्यवेक्षक आए थे उनका कहना था कि जमुआ में लोकसभा की टिकट चाहिए, लोकसभा